हेलो स्टूडेंट टूडे वी विल लर्न अबाउट द पेंट एंड इन विच वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइन टूल्स टूल शेप टूल्स बट इन दिस वीडियो वी विल लर्न मोर अबाउट द स्टैंप टूल एक्चुअली जो हमने पहले पढ़ा था टक्स पेंट उसमें जो स्टैंप टूल हमने यूज किया था तो उसमें कुछ सेलेक्टेड ऑप्शन ही थे स्टैम्प के लेकिन अब जो आज हम स्टैंप टूल पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए फर्स्टली हमें ये रबर स्टैम्प वाला ऑप्शन है उसे क्लिक करना पड़ेगा उसे स्टार्ट कर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक फाइल डाउनलोड होकर आएगी ई फाइल जैसे हमने टेक्स पेंट को डाउनलोड किया था जस्ट सेम एज आप ये रबर स्टैम्प वाले को भी डाउनलोड करेंगे इसको डाउनलोड करने के बाद ही हम स्टैम्प टूल को बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे क्योंकि इसको डाउनलोड करने के बाद ही हमें काफी सारे ऑप्शन स्टैम्प के और भी ज्यादा मिलेंगे तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे डॉट ई फाइल नीचे डाउनलोड होगी उस पर जस्ट आप क्लिक करेंगे देन वो जैसे टक्स पेंट में आप नेक्स्ट करते गए थे और आई एग्री द एग्रीमेंट जो भी आपने सब किया था टक्स पेंट को डाउनलोड करते हुए आपने सेम वही काम रबर स्टैम्प में भी करना है मेरे सिस्टम में मैंने ये सब डाउनलोड कर लिया है तो जस्ट मैं ये बताना चाहती थी कि साइट भी सेम है सब कुछ सेम है तो आपने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है रबर स्टैम्प का आपने उसे क्लिक करना है और रबर स्टैम्प को डाउनलोड कर लेना है अब हम आगे पढ़ते हैं मेरे में सिस्टम में ऑलरेडी रबर स्टैम्प डाउनलोड है सो वी विल क्लिक ऑन दिस पेंगुइन आइकन नाउ दिस इज अट टूल जस्ट क्लिक ऑन इट अगर आप रबर स्टैम्प डाउनलोड नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर और बस एक दो स्टैम्प दिखेंगे लेकिन अगर आप जब ये रबर स्टैम्प वाला जो डाउनलोड कर लेंगे ए एक्सी फाइल तो आपको ये सब जितने भी ऑप्शन है डिफरेंट बर्ड्स के और सब चीजों के आप देख रहे होंगे जैसे कि सारे ये टूल्स तब भी आएंगे और ये सारे स्टैम्प के ऑप्शन तब भी आएंगे जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे स्टैम्प टूल को यूज करना है ये हमारा स्टैम्प टूल हुआ यहाँ से हम साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं जैसे सपोज दिस इज अ अव जस्ट क्लिक ऑन इट अगर मेरे को इसका साइज डिक्रीज करना है तो मुझे यहाँ पर ये जो बार हैं ब्लू कलर के इनको कम करना होगा देन मैं क्लिक करूंगी और अगर मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है तो ये मैं इंक्रीज कर दूंगी ओके okay? तो इस तरीके से आप सब स्टैम्प टूल यूज कर सकते हैं सपोज uh, हमने ये लिया बच लेडी लेडीबर्ग बटरफ्लाई ये सब चीजें हैं ये सब चीज आप यूज कर सकते हैं दीज आर द वेरियस स्टैम्प ऑप्शन गिवन इन दिस एंड इफ यू वॉन्ट टू इरेज समथिंग देन जस्ट लेफ्ट बटन को प्रेस करना है माउस के और आपने अपने को मूव करना है ओके और यहां से आप साइज भी ले सकते हैं इरेजर का कि आपको अगर सपोज आपको कोई छोटी इमेज को इरेज करना है तो आप छोटी इरेजर का यूज करोगे बड़ी चीज बड़े पार्ट को अपने इरेज करना है तो आप बड़ा वाला पार्ट सिलेक्ट करोगे थैंक यू